आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं मैंगो जेली इस विकफील्ड के पाउच के साथ में। तो ये इसका मैंगो फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी होता है और यमी भी होता है बच्चे लोगों के लिए। बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसका प्राइस अराउंड पड़ता है 52 रुपीज़, बट हमें शॉपिंग मार्ट से पड़ा है अराउंड 48 रुपीज़ के आसपास करीब। तो चलिए आज हम इसको जानने का बनाने का तरीका देखते हैं। इसके अंदर से निकले हैं ये पाउच है, और इसके अंदर से है कुछ प्रीमिक्स टाइप में। ओके, अब इसको हमें इसके अंदर डालना रहेगा। क्या वाह, क्या अमेजिंग एरोमा मैंगो का आ रहा है, बहुत अच्छी मैंगो की खुशबू आ रही है। ये हमने सेकेंड वाला पाउच भी खोल के डाल दिया इसके अंदर अभी। और इसके लिए हमें गर्म पानी 1/2 लीटर तैयार करके रखना होता है। पहले हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं चम्मच से या फिर कैसे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, पाउडर को एकदम बारीक हो चुकी है, इसमें कुछ भी लम्स या गांठें नहीं बची हैं। अभी हम इसे 1/2 लीटर पानी हमने फुली बॉईल किया हुआ है, एकदम गर्म पानी है। और अभी इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर मिक्स करेंगे। ओके, गर्म पानी डालेंगे। वाह, मैंगो कलर आ रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले से कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बचा हुआ पानी भी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस जेली को मन चाहे आपके शेप्स में, ऐसे कांचे कटोरिया वगैरह होती है या ऐसे कुछ होते हैं शेप्स वगैरह, या आप इसको इस तरीके स्टाइलिश कंटेनर, मतलब ये रेगुलर है, आप स्टाइलिश कंटेनर जो होंगे आपके उसमें शेप वाले उसके अंदर भी फिल कर सकते हो। ये बहुत ही अट्रैक्टिव वगैरह दिखने के लिए होते हैं। और दोस्तों, इसे ना 45 मिनट्स के लिए आपको ना ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है, और इसके बाद में आपको रेफ्रिजरेट करने हैं। रेफ्रिजरेट करने का एक फ़ायदा होता है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसका लुक भी बहुत ऑसम आया है, दिखने में बहुत ऑसम लग रहा है, और हमें वेट करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है 45 मिनट्स।